इधर भारत आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, उधर पाकिस्तान अपने कोच के लिए रो रहा। 2024 वर्ल्ड कप से पहले मुश्किल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोच के लिए दर दर भटक रही। वॉटसन सैमी जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने आईपीएल के लिए पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली। एक तरफ टीमें मेगा टूर्नामेंट के लिए तैयारी में जुट गई हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। टीम अभी भी कोच की तलाश में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शेन वॉटसन और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डैरन सैमी ने राष्ट्रीय हेड कोच के ऑफर को दरकिनार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफर को ठुकराकर अपने स्वदेश लौट चुके हैं। वेस्टइंडीज के दिग्गज डैरन सैमी ने ऑफर ठुकराने की वजह भी बता दी। उन्होंने ये ऑफर ये बताते हुए ठुकराया कि वो पहले से ही वेस्टइंडीज बोर्ड के साथ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम के लिए हेड कोच के रूप में कार्यरत हैं। घटनाक्रम से वाकिफ एक जानकार सूत्र ने भी पीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान कराची में वॉटसन से इस बारे में बातचीत की थी और उन्होंने राष्ट्रीय टीम के हेड कोच का ऑफर भी दिया गया था। सूत्र के अनुसार वॉटसन ने शुरू में दिलचस्पी दिखाई थी और प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कुछ वित्तीय और अन्य शर्तें रखी थी, लेकिन बोर्ड वॉटसन की वित्तीय मांगों को पूरा करने से स्वीकार नहीं कर पाया, जिसके बाद वॉटसन इस बात से खुश नहीं थे। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पैकेज का विवरण पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया में लीक हो गया। शेन वॉटसन ने विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया और जोर देकर कहा कि आईपीएल और प्रमुख यूएसए लीग में एक कमेंटेटर के रूप में उनकी पूर्व प्रतिबद्धताएं थी। इसके अलावा वो सिडनी में अपने युवा परिवार को अधिक समय देना चाहते थे। पीसीबी कथित तौर पर वॉटसन के लिए $2 मिलियन वार्षिक शुल्क पर सहमत हुआ था। सूत्र द्वारा ये भी बताया गया कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्थानीय कोचों की एक टीम अब पीसीबी के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। अध्यक्ष मोहसिन नकवी को 18 मार्च को पीएसएल फाइनल के बाद कॉल करना होगा। आपको बताते चले कि डैरन सैमी और शेन वॉटसन दोनों कोच बनने की रेस से बाहर होने के बाद पीसीबी को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू 5 मैचों की टी20 सीरीज से पहले 25 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रशिक्षण शिविर के दौरान राष्ट्रीय टीम की निगरानी के लिए एक अंतिम व्यवस्था पर विचार करने की उम्मीद होगी। इस सीरीज की शुरुआत 14 अप्रैल से होनी है। पहले 2 मैच लाहौर में और बाकी के 3 मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप 2023 के बाद मिकी ऑर्थर एंड कंपनी को हटा दिया गया था। इसके बाद मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनसे भी डायरेक्टर का पद छीन लिया गया था। अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि उसे कोच नहीं मिल रहा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2 जून से 29 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाना है। इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान टीम को अब तक नया हेड कोच नहीं मिल सका। मोहम्मद हाफिज ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पिछले दौरे पर क्रिकेट निदेशक के साथ साथ पाकिस्तान टीम के अंतरिम कोच की जिम्मेदारी भी निभाई थी। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने का मंसूबा पाले पाकिस्तान, उसकी राह अब मुश्किल हो चुकी है। अब देखना होगा पाकिस्तान को कब तक हेड कोच की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।